हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। मैं हूं आपका दोस्त तरुण वर्मा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर DRI में कैरियर क्या है, कैरियर ग्रोथ है या नहीं है। DRI, जिसे कि स्पंज आयरन डिवीजन भी कहा जाता है, शॉर्ट में SID भी कहा जाता है, तो क्या है इसमें फ्यूचर, क्या है कैरियर ग्रोथ है कि नहीं है, अभी एट प्रेजेंट हम इसकी बात करने वाले हैं। तो कुछ समय पहले की बात तो ऐसी थी कि लोग DRI में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि DRI में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, साथ में वहाँ का जो वर्क है वो थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। वहाँ पे उस फील्ड के भी जो पर्सन हैं, जो इंजीनियर्स हैं या फिर बाकी जो टेक्नीशियंस हैं, वो उस फील्ड में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पहले पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हार्ड वर्क तो थोड़ा रहता ही है वहाँ, अभी भी है, लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट होती गई है पॉल्यूशन के प्रति, तो धीरे धीरे सारे जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी स्पंज आयरन डिवीजन हैं, जितने भी DRI प्लांट्स हैं, सब ने थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है और इस फील्ड में। और अभी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स और बाकी की सारी जो चीज़ें हैं, पॉल्यूशन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, हर चीज़ों को पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है, और काफ़ी हद तक जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनमें तो पॉल्यूशन बिल्कुल कंट्रोल लेवल का हो चुका है। और रही बात इसमें कैरियर की, तो कैरियर देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा एक्सपांसन हो रहा है, क्योंकि स्पंज आयरन डिवीज़न जो DRI है, स्पंज आयरन प्लांट्स हैं, इसके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हर जगह पर, एक्सपांसन हो रहा है। जितने प्रेजेंट कैपेसिटी के, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ 350 TPD के 2 किलन हैं, तो उनका भी एक्सपांसन चल रहा है, या तो वो 650 TPD के किलन लगा रहे हैं, या 350 में ही और उसे एक्सपांशन कर रहे हैं, 2 किलन है तो 4 कर रहे हैं, 4 किलन है तो 6 किलन कर रहे हैं, कहीं कहीं पर नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्पंज आयरन डिवीज़न में अगर आप प्रोजेक्ट में हैं, या फिर आप अगर मेंटेनेंस में भी हैं, तो भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो DRI की सबसे खास बात एक और है कि यहाँ पर जो बंदा काम कर लेता है इस फील्ड में, जो मैं मैकेनिकल मेंटेनेंस की बात करना चाहूँगा, इलेक्ट्रिकल में भी है, लेकिन मैं मोस्टली मैकेनिकल से फील्ड के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ। तो मैकेनिकल में सबसे वास्ट जो है आपको सीखने के लिए यहाँ मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, साइजर्स, है ना, बड़े बड़े फैंस, सेंट्रीफ्यूगल फैंस, पंप्स, बड़े बड़े पंप्स भी यहाँ पे यूज़ होते हैं, सिंगल स्टेज पंप्स, मल्टी स्टेज पंप्स, वाइब्रो मोटर्स, और जितने भी मैकेनिकल की इक्विपमेंट हैं, लिफ्टिंग टूल्स और भी जो कुछ हैं, मतलब मैकेनिकल के बारे में आपको एक वास्ट यहाँ पे नॉलेज हो जाएगी, आपकी जो नॉलेज है वो पूरी इम्प्रूव हो जाएगी। सपोर्ट रोलर्स, बड़े बड़े बियरिंग्स, बड़े बड़े गियर, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसमें आप अगर इन सभी चीज़ों के बारे में जिस अगर नॉलेज आप गेन कर लें, तो आपका जो है पर्सनैलिटी अलग से एक डेवलपमेंट हो जाएगा। और एक बात तो ये भी है कि DRI में काम किया हुआ आदमी कहीं भी काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और बहुत सारे नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, कन्वेयर बेल्ट से लेकर हर एक इक्विपमेंट है, तो आप किसी दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं यहाँ पे काम करने के बाद में। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपांसन हो रहा है, तो आने वाले समय में डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो पहले इस फील्ड में काम कर चुके हैं, और जब नए प्रोजेक्ट्स में वो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी डिमांड अच्छी होगी, उनकी डिमांड तो होगी ही, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स में पुराने लोगों को ही लिया जाएगा, कुछ परसेंट नए लोगों को भी लिया जाएगा, जिससे कि नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी है, न्यू जॉब्स निकलेंगी, फ्रेशर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर, है ना। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल बहुत एक अच्छा स्कोप है अभी के समय में, अगर हम देखें अपने DRI को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहिए, भिड़े रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे तरक्की जरूर होगी। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।